बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सबको बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, पनामा केस जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई हिकमत-ए-अमली तैयार कर ली गई है। डिसाइड हो रहा है कि पनामा केस के हवाले से जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद करना क्या है। क्या वजारत अगर जाए वज़ीर-ए-आज़म साहब की तो उसके बाद किसी और को लेकर आना है, अर्ली इलेक्शन करवाने हैं, या फिर स्टेप डाउन कर साइड पे हो जाने। ये तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर थी और अब सुनाई है। चहमगोइयाँ ये हैं शहर इक़्तदार के ऐवानों के अंदर और गलियों के अंदर के। जी, डिसीजन हो चुके हैं और डिसीजन होने के बाद अब दो तीन नाम सामने आ रहे हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से सोहेल इकबाल भट्टी साहब। सोहेल साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है आमिर खाकवानी साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने ज्वाइन किया। आमिर साहब, स्टार्ट आपसे करूंगी। पनामा केस इंतहाई अहम केस है, कहते हैं गेम चेंजर है, और गेम चेंजर इसलिए क्योंकि डेफिनेटली मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन सामने आ जाएगी। क्या मुल्क की वो पॉलिटिकल लीड जिसके ऊपर मुल्क के तमाम लोग आवाम ट्रस्ट करती रही, वो ट्रस्टवर्दी थे या नहीं, वो तमाम चीज़ें सामने खुलकर आ जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि डिसीजन हो गया, हिकमत अमली तय कर ली गई है कि जी अर्ली इलेक्शन कराने हैं या फिर किसी और को लेकर आना है, मुद्दत पूरी करनी है। कहा ये जा रहा है मुद्दत पूरी करनी है। आमिर खाकवानी साहब, क्या ये डिसीजन सही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ फैसला जाता है, उनको स्टेप डाउन होना पड़ेगा, तो जहर है किसी न किसी को तो ले कर तो अपनी जगह आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई वो इलेक्शन की तरफ, अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तैयारी जो है, अब वैसे भी ये साल इलेक्शन ईयर तैयारी हो रही है, और आपने आप जानती हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्टेबल्स को तेज़ी के साथ शामिल भी किया जा रहा है, और वो लोकल बॉडी की सतह पर भी जोड़ तोड़ जो शुरू हुए हैं। तो मुस्लिम लीग के मुस्लिम PMLN के हवाले से मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की अच्छी तैयारी की तरफ जा रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ही सही अर्ली, लेकिन अर्ली इलेक्शन में जा सकते हैं। अच्छा आमिर खाकवानी साहब, डेफिनेटली मतलब हिकमत अमली तो बनानी पड़ी वज़ीर आज़म साहब को। अब प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया, ऐसे प्रेशर के अंदर नाम कुछ सामने आ रहे हैं, यानी एहसन इकबाल साहब के नाम के बारे में बड़ा कहा जा रहा था कि एहसन इकबाल साहब एक ट्रस्टवर्दी शख्सियत है, उनको बनाया जा सकता है। फिर डेफिनेटली करीबी जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, उनकी बात भी आ रही थी। इवन ये कि शायद खाकान अब्बासी साहब की हवाले से बात आई। आपके नज़र में सियासी बसीरत के हवाले से और एक रेपुटेशन जो आवाम के सामने है उसके हवाले से कौन सी शख्सियत बेस्ट रहेगी एज अ नेक्स्ट वज़ीर आज़म? देखिए, मेरा ख्याल है कि सियासी बसीरत नया, अगर फ़र्ज़ करें, अभी तो ज़ाहिर मफूजा ही है, अगर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ हटते हैं और अपनी जगह किसी और को बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है सियासी बसीरत वो आखिरी चीज़ होगी जो देखेंगे। पहली और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखेंगे वो लॉयल्टी देखेंगे, गैर मुतज़ल्ज़ल वफादारी। और उसमें गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर साहब भी हो सकते हैं, एहसन इकबाल साहब भी हो सकते हैं, ख्वाजा आसिफ भी हो सकते हैं, जिसने आपने कहा शायद खाकान अब्बासी का नाम भी लिया जा रहा है। अब मियाँ साहब के बारे में ये तो मशहूर है कि वो अपने कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखते हैं और वो सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन हर हाल में वो वफादारी को अहमियत देंगे, ऐसे लोग जो उनके साथ रहे हैं और उनके साथ चलेंगे, और मेरा ख्याल है वो ऐसा ही फैसला करेंगे। ये डेफिनेटली अब वज़ीर आज़म साहब कार्ड गले से लगा कर रखते हैं, सीने से लगा कर रखते हैं, वो तो हम लोगों को तब भी याद है वो जब आर्मी चीफ बनाने थे, उस टाइम पर भी किसी को नहीं पता था। इवन ये कहा जा रहा था कि करीबी लोगों को भी नहीं पता कि आखिर कौन बनने जा रहा है अगला आर्मी चीफ, और दो तीन दिन की बात थी, दो तीन दिन पहले ही पता चला कि जी कौन होंगे अगले आर्मी चीफ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि हर शख्स आगे बढ़ चढ़ कर कोशिश करेगा कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब को खुश किया जाए, गुड बुक्स में आया जाए, ताकि ये ज़रा ये जो अहम कुर्सी है उसका टप्पा उनके ऊपर भी लगे, कोई सियासत के अंदर जरा चमक आ जाए, निखार आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम इस तरह की मुख्तलिफ कोशिशें भी होती हैं, लेकिन फिर भी मियाँ साहब, मैंने फिर जिस तरह कहा ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने फैसले होते हैं और अपने अंदाज में वो फैसले करते हैं। मियाँ साहब ने अभी से ही बंदा उन्होंने चूज़ कर रखा होगा और वो फैसला अपनी मर्जी से करेंगे, आप देखेंगे कि और उन्होंने उनका वो कार्ड जो है ना एंड टाइम पर करेंगे। और मैं बताऊँ आपको कि शहबाज शरीफ साहब, ये जो तासर बाज लोगों का है कि भी वो बड़े करीब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के फैसलों से, बेशतर फैसलों से शहबाज शरीफ साहब भी लाइल्म और बेखबर होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सुना है, वो कुछ कंपटीशन के बारे में भी सुना था, लेकिन ये कि सोहेल साहब के पास कुछ खबरें हैं। सोहेल साहब, ये पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में कुछ बातें हो रही हैं, कुछ अहम हल्कों में बातें हो रही हैं, कुछ सीक्रेटली बातें हो रही हैं, आप बताएं आपके सोर्सेज क्या कहते हैं?
अनिका पनामा लीक्स केस का फैसला जिस पर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, और गुज़श्ता रोज़ मैंने कुछ लोगों से मिलने की कोशिश की कि पता चले कि हुकूमत क्या कर रही है। तो जब कल हमने कुछ खोज लगाया तो पता चला कि पनामा लीक्स केस के फैसले से मुतल्लिक उसके तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से हुकूमती जमात के अंदर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई, और उसके साथ साथ हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाला कल का इजलास बहुत खसूसियत का हामिल था, चूँकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हुक्मरान जमात की जानिब से उनकी कुछ शख्सियात ना सिर्फ अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ राब्तों में थी बल्कि अपोजिशन के साथ यानी पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ता किया गया। और पनामा लीक्स केस के फैसले के हवाले से जो भी मुमकिन तौर पर फैसला है, अगर हुकूमत के खिलाफ आता है यानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आता है या वज़ीर-ए-आज़म किसी हद तक उससे मुतासिर होते हैं, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से सिस्टम को आगे लेकर चलना है। तो उस सिलसिले में कुछ फैसले किए गए हैं और एक कुछ हिकमत अमली भी तैयार की। उसके अंदर बड़ा वाजिया अब ये फैसला किया गया है कि जो भी फैसला आया, अगर वज़ीर-ए-आज़म को किसी सूरत के अंदर अगर स्टेप डाउन करना पड़ा या अगर तहकीकात होती हैं और वज़ीर-ए-आज़म को इखलाकी तौर के ऊपर अपने ओहदे से अलग होना पड़ता है, तो पहले ये था कि वज़ीर-ए-आज़म की जिस तरह की शख्सियत या तबीयत है कि मे बी वो डट जाएं, या एक ऑप्शन ये भी सामने था कि शायद वो इलेक्शन का अनाउंस कर दें। तो अब ये बात सामने आई इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद और हुक्मरान जमात के अपने उनकी टीम के अंदर मुशावरत के बाद कि नए इलेक्शन कराने की किसी सूरत ज़रूरत नहीं है, हुकूमत हर सूरत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपने वज़रा को ये टास्क दिया गया है कि उन्होंने कौम से जो जो वादे किए थे, जो उन्होंने चेंजेस लेके आनी थी, जो मंसूबे मुकम्मल करने थे और जिनका टारगेट फरवरी 2018 तक था, वो तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। तमाम वज़रा को ये हिदायत दी गई है कि उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से काम जारी रखे होते हैं उन पर काम तेज़ किया जाए, किसी मंसूबे के अंदर कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए और फरवरी 2018 तक वो अपनी माइंड मेकिंग रखें कि हमने काम करना है। उसके साथ इसके दूसरे एस्पेक्ट में ये बात की गई कि अगर हुकूमत इक्तदार में रहना है और किस तरीके से मामलात को आगे चलाना है, तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब ने यकीनन कुछ लोगों के नाम अपने जहन में सोच रखे हैं कि जिनको वो वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी उनको दे सकते हैं, उसके ऊपर भी गौर किया गया लेकिन किसी का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म को सफारती हलकों के खदशात से भी आगाह किया गया कि जो तमाम सफारती हलके हैं इंटरनेशनली और स्पेशली पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और चीन खसूसी तौर के ऊपर, उनके बड़े खदशात हैं और वो भी पनामा लीक्स के केस के फैसले के ऊपर बड़ी कड़ी नजरें रखे हुए हैं और उन्होंने आगे बढ़ना है, चूंकि सबसे अहम जो मामला है वो चीन के साथ होने जा रहा है अप्रैल के आखिर के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की चीन का उन्होंने दौरा करना है और कोशिश की गई है, बल्कि एक शेड्यूल तय कर लिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान चीन के सदर के साथ वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। और सीपेक के हवाले से कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइना इस सीपेक के मंसूबे को कुछ और फर्दर उसके अंदर एक्सपेंड करना चाहता है, पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ नए मंसूबे तैयार किए गए, वो मंसूबे अप्रैल के आखिर में जाके मुकम्मल उनको साइन होना है, उससे पहले JCC की मीटिंग भी होनी है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर बड़ा क्लियर है कि चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम रहे, तो उस सूरत हाल को भी डिस्कस किया गया। और उसके साथ साथ पनामा लीक्स के केस के फैसले के साथ एक और हुकूमत के अंदर तजवीज़ जो जेरे गौर है कि वफाकी कैबिनेट के अंदर रद्दोबदल होना है, तौसी भी होनी है, रद्दोबदल भी होना है। उसके अंदर जो बड़ी तब्दीलियां सामने आ रही है, तो ये चीज़ अब सामने आई कि जनूबी पंजाब से वज़ीर-ए-आज़म ये गौर कर रहे हैं उनके जेरे गौर के दो उनके जो अरकान कौमी असेंबली जिसमें उवैस लगारी का नाम सामने आया है और उसके साथ रहीम यार खान से मखदूम खुसरो बुख्तियार का, उनको भी वफाकी कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए। आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर जनूबी पंजाब के अंदर हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि इस वक्त जो दो वफाकी वज़रा हैं जनूबी पंजाब से रियाज पीर ज्यादा और सिकंदर याद बोसन, वो हुकूमत से कुछ खाइफ हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम भी उनके ऊपर रिलाय नहीं कर रही कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर पनामा लीक्स के फैसले के बाद अगर सियासी मंजरनामा बदला तो ये दोनों शख्सियात रियाज पीर ज्यादा और सिकंदर याद बोसन मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं होंगे। यही वजह है कि इसके साथ साथ जो जिस टीम ने डिफेंड किया पनामा लीक्स केस में वज़ीर-ए-आज़म को, उसमें से भी कुछ अरकान को वफाकी कैबिनेट या एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट के तौर के ऊपर हुकूमत में जगह दी जाएगी। फॉरेन मिनिस्टर भी बनने वाला, क्विकली जरा ये भी बता दें कुछ फॉरेन जी एग्जैक्टली वज़ारत-ए-खारजा कलम दान भी वफाकी वजीर को दिया जाएगा और उसके साथ वज़ारत-ए-कैड के वजीर को तब्दील किए जाने का इम्कान है। पनामा लीक्स का फैसला डिपेंड करते हैं, अगर इसहाक डार साहब को कोई और जिम्मेदारियां ना मिली तो उनका नाम इस वक्त जेरे गौर है बतौर वजीरे खारजा। सही, ठीक है। अब ये वजारतें अहम वजारतें, इधर भी वजीर लगने का जो है वो एक तरह से बता दिया गया, कुछ हिंट्स नजर आ रहे हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में रहते हुए इतना जरूर पता चल रहा है कि कुछ सियासी हलचल है और ये सियासी हलचल पनामा केस के बाद कुछ ज्यादा हो जाएगी। बट अप्रैल के एंड तक तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फैसला आ ही जाएगा और अप्रैल के एंड पे जो चाइना के साथ मीटिंग है सीपेक के हवाले से,
ये कहाँ, इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से भी देखेंगे। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे करप्शन के खात्मे के हवाले से। करप्शन के खात्मे के हवाले से नैब एक इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उसका नाम है, लेकिन ये इदारा अक्सर औकात प्ली बागिन करके सारे किए पर पानी फेर देता है। करप्शन करप्ट अफराद को पकड़ने के बावजूद भी ये प्ली बागिन मसला डाल देती है। प्ली बागिन को रोकने के लिए वो ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस का क्या बना वो तो हमारे सामने है, लेकिन अब सुना है कि प्ली बागिन दोबारा शुरू हो रही है। सोहेल साहब, अनिका, ये बड़ा हैरान कुन है, चूंकि नैब की प्ली बार्गिन के साथ ना बड़ी नैब की और चेयरमैन नैब की बड़ी एफिलेशन जुड़ी हुई है और इसको बड़ा हमेशा फोकस रखते हैं, लेकिन जब मुश्ताक अली सानी जो बलोचिस्तान की लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन का स्कैंडल सामने आया था, जब मुश्ताक अली सानी से नैब ने प्ली बार्गेन की थी, चेयरमैन नैब ने उसकी मंजूरी दी थी नैब के सेक्शन 25 के तहत, उसके बाद एक इतनी बड़ी तनकीद हुई थी नैब के ऊपर, ना सिर्फ सोशल सर्कल की जानिब से बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। तो उस वक्त शायद नैब को ये एहसास हुआ था कि अब पूरी सोसाइटी जो है ना वो इस क्लास के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो प्ली बार्गेन जिसको चेयरमैन नैब डिटरमिन कर देते हैं उसको फिर कोर्ट में सबमिट किया जाता है कि कोर्ट उसको अप्रूव कर दे और उसके बाद वो केस उस शख्स के खिलाफ उससे पैसे रिकवर किए जाए और वो शख्स रिहा हो जाए। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर नैब की तारीख का साहिब ये पहला केस था मुश्ताक रईसानी का, जब चूंकि हुकूमत उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, अपोजिशन, अवाम, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़ुज़ात से एहतसाब अदालत क्वेटा ने मुश्ताक रईसानी की वो प्ली बार्गेन मंजूर ना की, जिसकी वजह से उसके खिलाफ रेफरेंस दायर करना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि एक हुकूमत ऑर्डिनेंस लेके आई जिसके तहत प्ली बार्गेन के ऊपर, प्ली बार्गेन के शिक के तहत जो चेयरमैन नैब को इख्तियार था कि एक मुलजिम से कितने करोड़ या अरब रुपए वसूल करके उसको क्लीन चिट देनी है, उसको बरी करना है, वो इख्तियार उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन बदकिस्मती से जब वो तरमीम उसमें टेबल हुई सेनेट के अंदर मंजूरी के लिए, तो वहां पर स्ट्राइक डाउन की मंजूर ना हो सकी, प्ली बार्गेन का कानून दोबारा फाल हो गया। लेकिन चेयरमैन नैब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नैब के तमाम ब्यूरोज के अंदर प्ली बार्गेन के केसेस को प्रोसेस करने से रोक दिया गया था, क्योंकि अब आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब जब मुल्क के अंदर पनामा लीक्स का मामला चल रहा है, सियासी हलचल जारी है, आवाम की तवज्जो भी कुछ बटी है, तो अब चेयरमैन नैब साहब ने एक मीटिंग की, तमाम नैब के अफसरान उसमें शरीक हुए और उसके बाद फैसला हुआ कि क्यों ना जो अब नैब के कानून में प्रोविजन आ गई है दोबारा से, तो इसको एक्सरसाइज भी किया जाए। और आपको पता है कि अब सिंध के अंदर उन्होंने नैब ने 3 लोगों को हाथ डाले है, 10 अरब रुपए के उनसे असासे नकदी और बहुत कुछ बरामद हुआ है। अब उन शख्सियात के पास जिनसे इतना कुछ बरामद हुआ है और उन लोगों के जिनके वो फ्रंट मैन थे, मामला उनकी तरफ जाना है, तो अब नैब ने कहा है कि किसी भी मौके के ऊपर अगर सिंध से गिरफ्तार होने वाली शख्सियात ये ऑफर कर देते हैं कि हम ये रकम लुटाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इस चीज को मंजूर करेंगे। तो चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तमाम ब्यूरोज को अरसाल किए कि आप प्ली बार्गेन के केसेस अब प्रोसेस कीजिए, हम उन्हें मंजूरी देंगे, यानी वो सिलसिला अब दोबारा शुरू होने वाला है जो मुश्ताक रईसानी साहब के साथ किया गया था। ये भी मैं शामिल कर दूं कि जब ये अमेंडमेंट जो हुकूमत करना चाह रही थी नैब ऑर्डिनेंस 2017 जो लेके, जब वो नहीं हुआ तो चेयरमैन ने वो सबसे मुनासिब मौका समझा, ठीक है, और उसके बाद फौरी तौर पर फरवरी में इन्होंने जनवरी में मीटिंग ली और उसके बाद इन्होंने वही जो मीटिंग मिनट से वही तमाम ब्यूरोज को अरसाल कर दिए और जब क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कंसीडर उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कंसीडर कर दिया और कहा कि आप प्ली बार्गेन जो है प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सोहेल साहब आपने फरमाया कि तब आवाम जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ये जो प्ली बार्गेन वाला मसला है, इसके ऊपर डेफिनेटली इस तरह पाया जाता है एक आम शहरी के अंदर कि किस तरीके से कोई अरबों रुपए करप्शन करे और उसके बाद थोड़े से पैसे देकर वापस रहा हो जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आवाम एक्सेप्ट करती है इस चीज को? अनिका देखिए, नैब के अंदर भी बड़े विजडम वाले लोग बैठे हैं, उन्होंने सूरत हाल का इदराक किया है कि अब किसका फैसला आने वाला है, पनामा लीक से। अगर पनामा लीक का फैसला आ जाता है तो मुल्क की सियासत जो एक नया रुख इख्तियार करेगी, जो अवाम की तवज्जो का मरकज होगा वो सारा क्या होगा, हुकूमत होगी, अपोजिशन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उस वक्त का सियासी मंजरनामा होगा। तो नैब ने ये एक बेहतर मौका कंसिडर किया है कि वो केसेज जो पेंडिंग पड़े हुए या नए जो मुलजमान को हम पकड़ रहे हैं अरब रुपए के केसेज के अंदर, जब पूरी कौम की तवज्जो दूसरी तरफ होगी, जब लोगों का नैब के ऊपर इतना फोकस नहीं होगा और नैब के कानून में प्रोविजन तो दोबारा आ गई है तो हम इसको मंजूर कर लेंगे। चूंकि दूसरी जानिब जो नैब के इस कानून के अंदर प्ली बार्गेन से मुतालिक है उसकी तरमीम के लिए हो क्या रहा है, सेनेट की कमेटी बनी, उसके ऊपर एक और पार्लिमानी कमेटी बन गई और कमेटी की मीटिंग का सिलसिला जारी है। नैब को भी इस बात का इदराक है कि कमेटियों में जो बात आ जाती है फिर वो तवील तवालत इख्तियार करती है। नया कानून में इतनी जल्दी आना नहीं है, लोगों की तवज्जो बढ़ रही है, तो इस तनाजुर के अंदर आने वाले दिनों में बहुत से लोग प्ली बार्गेन करेंगे। अच्छा नौखे साहब, अब इस तनाजुर में डेफिनेटली बहुत सारे लोग प्ली बार्गेन करेंगे ही करेंगे क्योंकि करप्शन ज्यादा पकड़ी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले इलेक्शन के बारे में वो मीसा के जमहूरियत में जो सुना था कि जी एक बारी आपकी एक बारी हमारी, तो वो अब वो बारियों वाला सिलसिला इसलिए क्योंकि सिंध के अंदर बहुत सारे करप्ट अनासर पकड़े जा रहे हैं और डेफिनेटली प्ली बार्गेन से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा।
देखिए अनिकास, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब पाकिस्तान PMLN के लोगों पे नैब ने हाथ डाला था एक साल पहले, जिसमें मेट्रो का केस था, इनके पार्लियामेंटेरियंस के केस थे, तो उस वक्त मियां साहब ने बड़ी क्लियर एक शटअप कॉल आप कह लें दी थी चेयरमैन नैब को कि वो अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करें। हालांकि मियां साहब को ये पता होना चाहिए कि उनका दायरा इख्तियार चेयरमैन नैब का क्या है। ये हम पिछले 4 से 5 साल सुन रहे हैं कि जी चेयरमैन के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, जब इनके ऊपर हाथ डालते हैं तो उस वक्त ये वावेला शुरू कर देते हैं, CM पंजाब की तरफ से भी क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है, बाकी जो PMLN के लोग हैं उनकी तरफ से भी। तो अब मसला ये है कि जब आपने एक इशू को टेकअप किया था, चेयरमैन नैब की पार्स को आपने रिव्यू किया, नैब के आर्डिनेंस को रिव्यू किया, तो फिर वो खटाई में क्यों चला गया और उसी का फायदा चेयरमैन नैब ने लिया और अभी दोबारा उन्होंने कॉल के बाद नैब ने पंजाब का रुख नहीं किया, फिर बिल्कुल रुख नहीं किया। और अभी आप देखें कि अभी जो हमारे जराए उन्होंने मुझे बताया कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने चेयरमैन सॉरी उन्होंने नैब लाहौर से रिक्वेस्ट किया है कि जितने PMLN से रिलेटेड लोगों के केसेस चल रहे हैं। चलें इसी बारे में बात भी कर लेते हैं, जरा अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। एक कमेंट करना चाहूंगा क्विकली, नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटियां बनी हुई है ना, सिंध के अंदर से अफसरान को गिरफ्तार किया जा रहा है। सेनेटर फरूक अचनायक पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर सरकारी अफसर पकड़ा जाए उससे 10 साल या ताहयात नहल मत करार दें, सिर्फ 5 साल के लिए नाहल होना चाहिए। वो हमने एक स्टोरी भी की थी, बिल्कुल हम लोग स्टोरी की थी। सवाले से अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो वो नैब के बारे में जो नौखेज साहब फरमा रहे थे कि कहा गया है कि जी इनके बारे में कार्रवाई ना की जाए, तो लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला है, 2 माह गुजर गए हैं, कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सक रहा। नौखेज साहब, ये नैब वाली बात ही चल रही है इधर जी। ये मैं आपको बताऊं कि इन साहब के खिलाफ नैब में भी ऑलरेडी केस चल रहे हैं। इन ये जो MPA साहब हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब के काफी करीब हैं जो हमारे जराए ने बताया, और इनके खिलाफ नैब में भी चल रही है। और आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के 2 MPs के खिलाफ, 2 पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ नैब में केस चल रहा है। नाम भी बता दें, एक वो इफ्तिखारुल हसन शाह साहब हैं जो MNA हैं, और ये चौधरी इकराम साहब हैं जो MP हैं। अब मसला ये है कि इन्होंने कुछ बिजनेसमैन थे जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने चौधरी इकराम साहब से जमीन खरीदी 4 करोड़ के करीब। तो जब वो उस पर काम शुरू किया तो पता चला ये तो पाक आर्मी की जमीन है, तो इस पर तो कोई उनकी परमिशन के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो जब उन्होंने चौधरी इकराम साहब से राबता किया तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मैंने तो आपको अपनी जमीन बेची है, आप जो मर्जी कर ले, मैं इसे पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद वो कोर्ट में चले गए इनके खिलाफ, और लोकल कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया, पुलिस को ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ FIR काटें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उन बिजनेसमैनों की बात, उन शख्सियात की बात नहीं सुनी। उसके बाद ये उस डिसीजन के खिलाफ इनके बेटे ने लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी चौधरी इकराम साहब के। जब चौधरी इकराम साहब के वो पिटीशन हाईकोर्ट ने रद्द कर दी और पुलिस को कहा कि आप FIR काटें और इस पर जो भी इंक्वायरी है करें, अगर ये बेकसूर हैं MPA साहब तो इनको आप रिहा करें, और अगर ये कसूरवार हैं तो इनको जिम्मेदार ठहराएं, उनके खिलाफ इनको सजा दें। लेकिन बदकिस्मती से जब भी वो, जब मेरी उनसे बात हुई, जो पिटिशनर हैं वो कहते हैं जब भी हम DPO साहब के पास जाते हैं तो या तो वो मिलने को तैयार नहीं होते, तो या वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। मेरी खुद भी DPO से इस इशू पे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में नहीं है, मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, पिटिशनर को ये कह रहे हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं हमारे इल्म में नहीं है, 2 डिफरेंट मौकफ एक ही शख्स के ऐसे दे। मैंने रात को दोबारा इस बात को वेरीफाई किया, मैंने जो पिटिशनर थे जो साहिल हैं उनसे बात की, मैंने कहा आपकी आप DPO से मिले इस इशू पे पुलिस को, उन्होंने कहा जी हम बारहा SHO के पास भी गए, पंजाब पुलिस के जितने भी अहदेदारान हैं हम उनके भी नोटिस में लेके आ चुके हैं। और बड़े साहब मजे की बात यह है कि मुझे DPO कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो मैं आपको बताऊं। साहिब साहब, पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत बात की जाती है, आए रोज कमेटियां बनती है, अभी भी रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और वजीर अला पंजाब ये क्लेम करते हैं कि पंजाब की पुलिस बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, और उनके जो IG पंजाब है उनको उनका तमगे इम्तियाज देने के लिए उनका नाम भी रिकमेंड किया हुआ है सदर मुमलिकत और वजीर आजम को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या ये जो सारा मामला है, ख्वाजा आसिफ साहब, क्या वो हर 10-15 दिन बाद वहाँ पर जाते हैं, एक वहाँ पर एक वो अपने लोगों से खिताब भी करते हैं, लोग अपने इलाके के मसाइल भी उनसे बात करते हैं, कानून की पासदारी की भी बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उनसे ये मामला किसी ने नहीं उठाया कि आपका MPA ये काम कर रहे हैं?
देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग जो है ख्वाजा आसफ साहब के ये नोटिस में है सारी चीजें। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब एमपीए को, उस एमपीए चौधरी इकराम को बुला के उसका नोटिस भी ले चुके हैं, लेकिन है। अभी तक बदकिस्मती से जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे वो गरीब लोगों के लिए ना तो हॉस्पिटल बना, ना उन लोगों को जमीन मिली, और उन लोगों के उल्टे पैसे इनके साहब की जेब में चले गए हैं, और वो इस बात पे कहते हैं जी कि मैंने तो जमीन मेरिट पे बेची है। चलिए, बैरेट पे बेची या नहीं बेची, बिक गई, अब मसला शुरू हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने एक चीज सुना दी, उसके ऊपर अमल दरामद की भी जरूरत है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, अब बजट खसारे के हवाले से। बजट खसारा बढ़ता चला जा रहा है और ये खसारा थमने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए क्योंकि शाह खर्चियां भी है, मिसमैनेजमेंट भी है, और उसके अलावा मुल्क की जरूरियात भी बढ़ती चली जा रही है, कुछ प्रायोरिटीज में भी गड़बड़ है। लेकिन ये खसारा पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान सलूशन होता है कर्जा। आपकी बार भी कर्जा ले लिया सोहेल साहब? अनिका, हमें तो आए रोज कहा जाता है कि मुल्क की मौशियत बहुत बेहतर होने जा रही है, हालात अच्छे होने जा रहे हैं, हम इस जगह पर इतने सालों के बाद पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत की आमदन हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, टैक्स रेवेन्यू में कमी हो रही है, जो एफ पी आर की गैर मुनसिफाना पॉलिसीज थी, ताजरों ने उसके ऊपर एहतजाज किया, रेवेन्यू कम हुआ, अब हुकूमत के खर्चात बढ़ रहे हैं आए रोज़, उसको पूरा करने के लिए अब हुकूमत का सबसे बड़ा जो निसार हुआ है रवा माली साल के अंदर वो बैंकों से कर्ज लेने के ऊपर है। गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के लिए दोबारा 3 से 6 माह के लिए ट्रेजरी बिल जारी किए, 284 अरब रुपए का कर्ज लिया है, और आप ये सुनकर हैरान होंगे जो इससे पहले कर्ज लिया था जिसने 1 मार्च को मेच्योर होना था उसकी रकम थी 347 अरब रुपए, उस रकम को हुकूमत ने वापस करना था, वापस नहीं कर पाई। मार्च के पहले हफ्ते में यानी 2 मार्च को भी 396 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल हासिल किए गए, 347 अरब का वो कर्ज अदायगी करने के लिए 48 अरब रुपए के ज्यादा कर्ज लिया। हुकूमत का सारा रिलायंस इस वक्त कर्जों के ऊपर है, चूंकि अखराजात ज्यादा हैं, आमदन कम है, माहरीन ये कह रहे हैं कि रवा माली साल के अंदर जो जितने हुकूमत की आमदन और अखराजात में फर्क है ये 4.5 से 5% तक GDP के रेशो तक पहुंच जाएगा, और ये अल्टीमेटली अफराते जर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत को नए नए नोट छपना पड़ेंगे, इसका बर्डन जो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सवाल ये है कि अखराजात क्यों बढ़ रहे हैं, अखराजात को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? आपने देखा होगा पिछले दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने और एक दूसरी सूबाई हुकूमत ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो लाखों के हिसाब से बढ़ा दी, ब्यूरोक्रेट्स को स्पेशल पे के लिहाज से 10 लाख 15 लाख रुपए दिए गए। यहाँ भी यही हाल है कि इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए MP1 और MP2 स्केल दी हुई हैं, वही 24 घंटे हैं जिसमें एक आम आदमी भी काम कर रहा है और एक ख़ास अफसर जिसको MP1 स्केल दे रहे हैं। फिर आप देखिए कि काबीना पर कितना खर्च हो रहा है, असम्बली पर कितना खर्च हो रहा है असम्बली के आउटपुट के लिहाज से, ऐवान सदर पर कितना खर्च हो रहा है, ऐवान वज़ीर आज़म पर कितना खर्च हो रहा है, सरकारी दौरे जो हैं बाहर उन पर कितना खर्च हो रहा है, इन लोगों के इलाज मुआवजे के लिए कितना खर्च हो रहा है। जब अखराजात आपके अंधाधुन बगैर किसी रुकावट के जा रहे हैं और आमदनी का जरिया होता है टैक्स, टैक्स नेट आपका है नहीं, 8 से 10% लोग पाकिस्तान में कुल टैक्स दे रहे हैं, सियासतदान टैक्स नहीं दे रहे, सनतकार टैक्स नहीं दे रहे, एग्रीकल्चर का आपका पूरा सेक्टर जो है फ्यूडलिस्ट जो हैं बलोचिस्तान के जो सरदार हैं, जागीरदार जो हैं जनूबी पंजाब के, सिंध के जो हैं जिनकी करोड़ों रुपए का उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं कि आम की पैदावार कैसे होगी, वो 10-10 किलो का 5-5 किलो का आम लेडी डियाना की शादी पर जाकर तो दे सकते हैं तोहफा, मुल्क को ये टैक्स क्यों नहीं देते? तो अगर कर्जे, सवाल ये नहीं है कि कर्जे ले रहे हैं, सवाल ये है कि कर्जे क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल, हुकूमत बैठ तो नहीं सकती, उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले ये कि अपने अखराजात कंट्रोल करें, इस तरह हुकूमत करें जिस तरह अमेरिका में, यूरोप में, महजब मुल्कों में उनका कोई ओवरहेड खर्चा नहीं होता, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके जो सुदूर हैं सदर वो बादशाहों की तरह नहीं रहते। फिर दूसरा ये है कि टैक्स नेट बढ़ाएं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स लें। चलिए, ये टैक्स नेट वाली बात भी, एक तो 8 से 10% वाली बात इसहार साहब ने की, दूसरा ये कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट देख कर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद वो मुल्क जिसने हम पर या पूरे इस खत्ते पर राज किया वो मुल्क समझ गया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक छोटा एरिया बनाकर अपने प्राइम मिनिस्टर को रखा जाए, हम नहीं समझे, हम उसी कॉलोनियल माइंडसेट। देखें अनीका, मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करूँ कि 2 साल पहले हाफिज सईद जो यहाँ की बहुत मशहूर शख्सियत हैं वो अदालत में गए जी। और उन्होंने कहा कि लंदन का, इंग्लैंड का वज़ीर आज़म जिस तरह रह रहा है वो इस्लामी तर्ज़ रिहाइश है, ये उनके अल्फाज थे, और हमारे यहाँ इस तरह नहीं हो रहा।
तो ये चीजें जो हैं ये सब लोगों को पता है, सिर्फ हुकूमत को नहीं पता। सही, हुकूमत को नहीं पता। इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सीपेक में एक और मंसूबा शामिल हो रहा है। आए रोज हम देखते हैं कोई ना कोई मंसूबा सीपेक में डाल दिया जाता है, और सीपेक में डालकर इसको कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से काम हो जाएगा। इस हवाले से कराची की भी कुछ किस्मत जागी है, हम लोगों को लगता है जैसे अब शायद सीपेक में ये मंसूबा डलने के बाद कराची में ये काम जरा तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है ये सीपेक में डालने की बात की गई है। डॉक्टर साहब, एक तो आए रोज, पहले तो एक सीपेक ऑलरेडी डिसाइड हुआ हुआ, उसके बाद फिर आए रोज कोई ना कोई मंसूबा ऐड कर दिया जाता है, एक ये फिनोमेना क्या है? और दूसरा ये कि सर्कुलर रेलवे कराची का सीपेक में शामिल होने की वजह से क्या कुछ तेजी आ पाएगी? देखिए, हमारे यहाँ तो लगता ये है कि अब ये रवाज हो गया है, कोई अगर कोई मंसूबा करना है तो चीनियों को दे दीजिए, कचरा कराची का उठाना है तो चीनी को दे दीजिए, अगर चीनियों को नहीं देना तो तुर्कों को दे दीजिए, तुर्क कंपनियों को दे दीजिए। बहुत सी जगह सफाई सुथराई का काम तुर्क कंपनियां कर रही हैं। अगर ये काम सारे काम ही आपने दूसरे मुल्कों की कंपनियों से करवाने हैं तो कहीं ये ना हो कुछ अरसे के बाद कुछ इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ भी आप चीनियों को जो हैं वो सपोर्ट कर दें। देखिए, बात यह है कि ये सी पैक का जो मंसूबा है ये एक अच्छा मंसूबा है, इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इसको गैर ज़रूरी तौर पर ना खींचिए, इसको गैर ज़रूरी तौर पर फैलाइए नहीं, क्योंकि इससे मसला ये होगा कि मामला बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, और उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके मसाइल पैदा होंगे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो ओरिजिनल सी पैक था 46 बिलियन का, उस सी पैक के मंसूबे को इम्प्लीमेंट करें, उसको देखें कि उसके मामलात और मसाइल क्या हैं, उस सिलसिले में जो कुछ सूबों को शिकायत हैं उन शिकायत को एड्रेस कीजिए, तो फिर ग्रेजुअली इसको एक्सपेंड कीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल सिंध पे बहुत मेहरबान हैं, तो लिहाजा ये जो कराची का मंसूबा, जो रेलवे का मंसूबा है, ये भी सी पैक में डालने की बात की है। अगरचे चाइनीज़ ने अभी तक उस पर कमिट नहीं किया है, लेकिन ठीक है, वो कर देंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि इसमें तेज़ी आएगी, इसमें जल्दी आएगी? क्योंकि सी पैक के अंदर इस वक्त कई सवालात हैं जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हैं? सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल है, क्योंकि ये जो कंपनियां चीन की काम करेंगी पाकिस्तान के अंदर, उसमें दो मसाइल पैदा होते हैं। एक तो ये जो है फंडिंग जो है वो चाइनीज़ बैंक उन कंपनीज़ को देते हैं, तो सवाल ये है कि उस लोन पे और लोन पे जो इंटरेस्ट है उस पे पाकिस्तान की लायबिलिटी क्या है? अगर ये कंपनीज़ ने, चाइनीज़ कंपनी ने वो पैसा वापस करना है तो ज़ाहिर है वो अपने सरमाए से तो वापस नहीं करेंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका कंट्रोल रख के उस आमदनी से वो ज़ाहिर है कि वो लोन वापस करेंगे। हुकूमत इस पे हमें कुछ नहीं जो है वो बताती। दूसरा ये है कि चाइनीज़ कंपनियाँ ज़्यादातर पाकिस्तान में चाइनीज़ लेबर, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ला रही हैं, और अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को बहुत बढ़ा देंगे तो कुछ अरसे के बाद मोर और लेस परमानेंट चाइनीज़ सेटलमेंट्स पाकिस्तान में बनती हैं, और उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन है, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म में हमें सोचना चाहिए। वक्ती तौर पर लोगों से वाह वाह लेने के लिए हर चीज़ को चाइनीज़ कॉरिडोर में ना डालें, मौजूदा प्रोजेक्ट को रन करें, उसकी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस को एड्रेस करें, फिर नए प्रोजेक्ट्स उसमें डालें, वरना आप फंस जाएंगे और मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अच्छी चीज़ को ख़राब करना वो हमारी सबसे बड़ी खसूसियत है, और लगता ये है कि चाइनीज़ कॉरिडोर का भी यही हाल होगा। सही। अच्छा सुहेल साहब, वो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस के बारे में तो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल बजा फरमाया, एक कल्चरल इम्प्लिकेशंस भी तो होंगी कि हमारा कल्चर और चाइना का कल्चर डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ है, वो बहुत सारे लोग इधर आएंगे, कल्चरल इम्प्लिकेशंस भी होंगी। उसके अलावा मुझे खदशा ये है, जो कि बाकी कुछ लोगों की तरफ से भी मैंने सुना,
वो ये कि जिस तरीके से नीलम जेहलम का हाल हुआ या बाकी कुछ मंसूबों का हाल हुआ, वैसा हाल इन मंसूबों का जिसको आप तवातुर से सीपैक में डाली जा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट हो गई है जिसको आपने सीपैक में डाल दिया, उनका ये हाल तो नहीं हो जाएगा? अनिका देखिए, जब एक प्रोजेक्ट किसी चाइनीज कंपनी का अवार्ड हो जाएगा तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करना, प्रोक्योरमेंट करना, वो तो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने उसको करना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने कल कराची के अंदर जाकर जो अनाउंसमेंट की जिस मनसूबे से मुतल्लिक, ये कोई नई अनाउंसमेंट नहीं थी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने सिंध के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है। कल खुद उन्होंने कह दिया दिल की बात कि इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए, और साइड लाइन के ऊपर हमारे ज़राए का कहना है कि गवर्नर सिंध को भी उन्होंने ये हिदायत दी हैं कि सिंध के अंदर आप आइंदा इलेक्शन के अंदर हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप अपना किरदार अदा करें, जो कि उनका वैसे किरदार बनता नहीं है। लेकिन ये जो मनसूबा है कराची सर्कल रेलवे का, उसको सीपैक में शामिल करने का मामला दिसंबर 2016 में तय पा गए थे वजारत मनसूबा बंदी कमीशन में। वजारत मनसूबा बंदी में एक मीटिंग हुई थी, उसका एलामिया जारी हुआ था कि इस मनसूबे को चाइना से दरखास्त करके सीपैक में शामिल करवाया जाएगा, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म ने कल वहाँ जाना था लोगों के दिल जीतने, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी। इससे इंपॉर्टेंट ये है, ये मनसूबा बन सकता है और कराचियों की जरूरत है, इसे हर सूरत बनना चाहिए। 1969 के बाद इसने इस मनसूबे के तहत कराची के शहरियों को बड़ी सहूलियात मुयसर रही भी, लेकिन फिर वो कब्जा माफिया और करप्शन की नजर हो गया। जापान की जानिब से 2016 तक हमें ये कहा जाता रहा कि जापान सीपेक के मुकाबले में, चीनियों के मुकाबले में बेहतर शरायत के ऊपर फंड्स फराहम कर सकता था, बेहतर तरीके से इस मनसूबे को मुकम्मल कर सकता था, लेकिन वो जो कब्जा था इस रेलवे की राजी के ऊपर, वो हम वागजार ना करा सके और जापान बैकआउट कर गया। अब भी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वहां पर कब्जा लोगों ने किया हुआ रेलवे की राजी के ऊपर, अगरचे कि वजारत रेलवे की जानिब से तकरीबन 250 एकड़ की ऑफर की गई है कि जो मुतासरीन हैं और जो लोग वहां से डिस्प्लेस होने हैं उनको हम मुतबादल जगह फराहम करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत कब ये इस जमीन को वागुजार करवाएगी तो उसके बाद ही चीनी वहां पर कुछ काम कर सके। लेकिन ये मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है, कराची के शहरों के लिए ये बनना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि देखिये पॉइंट ऑफ डिबेट ये नहीं है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बुनियादी जिम्मेदारी इस किस्म की सर्विसेज आवाम को प्रोवाइड करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनका ये काम है कि ये सहूलतें प्रोवाइड करें। इस सिलसिले में चीन की कंपनी जो है वो ज़मीन वागुजार नहीं करवा सकती, वो काम भी हमारी ही हुकूमत, हमारी ही इंतज़ामिया ने करना है, तो ये हमारी इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों पर क्यों डाल देती है। और सीपैक के सिलसिले में जैसा मैंने कहा कि कल्चरल इम्प्लिकेशंस की आपने बात की, बड़ी वाजे कल्चरल इम्प्लिकेशंस हैं, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखिए, लेकिन रवायती तौर पर हमारी हुकूमतें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को नहीं देखती, शॉर्ट टर्म गेंस होते हैं। जब 1950s में अमेरिकन यहाँ आए हैं, उन्होंने आपको मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड दी, तो उस वक्त हमारे हुकाम फूले नहीं समाते थे, आज हम देखते हैं इतना अरसा गुजरने के बाद कि उसके मसाइल हैं। इसी तरह चाइनीज़ को अगर आप पाकिस्तान में इंटेक्ट करते हैं, इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन उसके नेगेटिव साइड को भी देखना चाहिए। जहां इंसानों को डील करना होता है वहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर चाइनीज़ प्रेजेंस यहां होगी, जो कि होगी, तो उसकी सोशल इम्प्लिकेशन भी बनती हैं, क्योंकि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के इम्कान चाइनीज़ के साथ ज़्यादा हैं। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे गुरबत की, जो कि बिजली होने की वजह से और पानी होने की वजह से खत्म हो सकती है, लेकिन हम लोग उस तरफ प्लानिंग नहीं कर रहे। तो अब हम लोगों को वर्ल्ड बैंक गुरबत खत्म करने के लिए 40 करोड़ डॉलर का कर्जा दे रहा है। अभी याद रहे कि हमने जो इससे पहले स्टोरी की थी उसके अंदर 45 करोड़ डॉलर का कर्जा ले रहा है, 40 करोड़ डॉलर की हम लोग अपना नुकसान कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, जो वजारत पानी और बिजली वाली हम लोगों ने टॉपिक किया था। अब ये बताइएगा मीर साहब, ये पूरे टॉपिक हमारे सामने है, कर्जा हमें मिल रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन हम अपना जो लॉस कर रहे हैं वो कर्जे की सूरत में हमें वापस लेना पड़ता है, उसके ऊपर हम लोगों को डेफिनेटली मार्कअप भी देना पड़ता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। देखो, ये जो हमारा सिस्टम दुनिया में चल रहा है, कैपिटल सिस्टम जिसे ब्रेटवुड सिस्टम भी कहते हैं, और जो दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा हुआ है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और एक से ज्यादा है। ये जो वर्ल्ड बैंक का इदारा बनाया गया था, ये पावर्टी एलिवेशन के लिए बनाया गया था कि पावर्टी को, गुर्बत को खत्म किया जाए। वर्ल्ड बैंक और बहुत से कामों में फंस गया और असल जो काम था वो कम कर रहा था। ये बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम है और हमारे बहुत से दूसरे प्रोग्राम जो मुल्क में चल रहे हैं बेसिकली उन्हीं के फंडेड हैं, उन्हीं से पैसा आता है। उनका मेन काम ही यही है कि अमीर कौमों ने लूट कर जिस तरह दुनिया की दौलत को अपने लोगों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया है, उसमें ज़रा उन गरीब कौमों का हिस्सा भी उनको दिया जाए।
अफ्रीका के मुल्कों का, एशिया के बहुत से मुल्कों का, अभी हम उसी खाते में शुमार होते हैं। बल्कि हमारा तो अजीबो गरीब हाल है, हम इतने गरीब भी नहीं हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इमदाद दी जाए, और हम इतने अमीर भी नहीं हैं, अमीर तो है ही नहीं वैसे, लेकिन इतने का लफ्ज़ मैं ज़रा ज़ुबान के हवाले से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने अमीर भी नहीं हैं कि हम अपने पाँव पर खुद खड़ा हो सके। तो गुर्बत की एलिवेशन के लिए या गुर्बत के खात्मे के लिए जो कोई कर्ज़े दिए जाते हैं, वो कर्जे इसलिए होते हैं कि हम उसको टारगेट करके लोगों की, हमारी आबादी का जो मसला बढ़ रहा है, कभी हमने इस पर गौर किया है किस आवाज़ से बढ़ रहा है? खास तौर पर वो लोग जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, 10-10 बच्चे वहाँ हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना पढ़ रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, और जो हुनर है वो भी सिखाने का हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है कि हम अच्छे तरखान पैदा कर दें, हम अच्छे कारपेंटर पैदा कर दें, हम अच्छे लोहार पैदा कर लें। ये हमारे वो पेशे थे जो देहातों की मईशत में, जरी मईशत में, टूडल मईशत में इनहेरेंट हुआ करते थे। अब इनहेरेंट होने की बात नहीं है, कल का जुलाहा आज का सैगल होता है, कल का मोची आज का बाटा होता है, हर चीज़ जो है बदल गई दुनिया में, हर रंग बदल गया है। अब तो फर्नीचर बनाने वालों के इतने बड़े बड़े अदारे हैं कि दुनिया ही बदल गई है। हम इस कारपोरेट कल्चर में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन अभी दाखिल नहीं हो पा रहे। अब हम फर्नीचर बनवाने के लिए किसी अपने गांव के तरखान को नहीं बुलाते, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, और उनको लकड़ी को सीजन करने, बल्कि लकड़ी के इस्तेमाल की बजाय कुछ और ही मवाद इस्तेमाल करने के लिए इतने मॉडर्न ज़राए बन गए हैं कि हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा और मुल्क को आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक ठीक है। अच्छा सहेल साहब, ये अभी जो मैं वजारत पानी और बिजली की बात कर रही थी, एक तरफ हम 40 करोड़ डॉलर का नुकसान कर लेते हैं, दूसरी तरफ 45 करोड़ रुपए जाके कर्जा ले लेते हैं। अगर हम अपने नुकसान को कटेल कर लें, करप्शन को कटेल कर लें, तो हमें इन कर्जों की तो वैसे ही जरूरत ना पड़े। अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं सजाद मीर साहब की बात सुन रहा था, मैं खुद मेरा उसके ऊपर ओपिनियन यही है कि माजी के अंदर अगर हम कभी ये बात निकाल कर देख लें कि गुज़श्ता 60 सालों के दौरान जितने हमने आलमी इदारों से जितने हमने कर्ज लिए, जिन मकासद के लिए, अगर हम उन्हें शफाफ तरीके से उस मकसद के लिए उस मुतलका जगह के ऊपर खर्च करते तो यकीनन आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती, और ऐसी सूरत हाल ना होती कि आज भी हमें बैरूनी इदारों के कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता। अगर सिर्फ हम बात करें जो वर्ल्ड बैंक ने अपने इस नए प्रोग्राम के तहत जो $450 मिलियन यानी 45 अरब रुपए कर्ज पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी है, इसमें से जो $300 मिलियन यानी 30 अरब रुपए वो एक शफाफ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसके लिए दिए गए हैं, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए जिसके अंदर फूड का मामला भी है, बाकी दीगर मामला भी, उसके लिए $100 मिलियन दिया गया। अगर इस रकम को भी अगर हम मेरे ख्याल के मुताबिक जो $300 मिलियन है जो फाइनेंशियल सेक्टर से मुतलिक है, हम इसमें से कुछ रकम उन वजूहात का तयन करने के लिए भी खर्च करनी चाहिए कि किस किस प्रोग्राम के लिए माजी में हमें पैसे मिले, उसके अंदर करप्शन हुई, वो फूड वर्ल्ड पाकिस्तान तवाना प्रोग्राम हो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत चलने वाले दीगर मनसूबे हों, जितने भी मनसूबों के लिए पैसे मिले करप्शन की नजर होते रहे। इस रकम में से जो दोबारा हमें कर्ज मिलना है, हम उन वजूहात का इदराक कर लें और उन लूप होल्स को अगर हम बंद कर लें जिसकी वजह से इस कर्जे के हमें हासिल करने के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल नहीं कर पाए, तो शायद आने वाले दिनों के अंदर हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। मसला ये है वो जो पावर सेक्टर हो या दीगर शोबे, वहाँ पर हमारी जो करप्शन हो रही है, वहाँ पर जो हमें जिन अरबों रुपए के नुकसान का सामना है, स्टील मिल हो 400 रुपए स्टील मिल के अंदर, 250 रुपए PIA के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर 700 रुपए, इन खसारों को हम कम कर लें, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लें, तो मेरे ख्याल के अंदर जो हम कर्जों के ऊपर हमारा इन्हिसार है वो कम होता जाएगा वक्त के साथ साथ। सही ठीक है। और कर्जों पे इन्हिसार कम होगा तो हमें वापस जो करते हुए सूद देना पड़ेगा वो भी कम देना पड़ेगा, और उससे मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है अगर हम अपनी करप्शन को रोक लें, अगर हम इस नुकसान को रोक लें जो कि हम लोगों को झेलना पड़ता है मुख्तलिफ जराए की वजह से, चाहे वो लाइन लॉसेज हो या कोई भी मसला हो, अगर ये कम हो जाए तो शायद कर्जे लेना भी हम लोग कम हो जाए, और डेफिनेटली कशकोल तोड़ने में ये एक बड़ा कदम होगा। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे एक ऐसी शादी की जो कि उल्टी पड़ गई, वो उल्टी इस तरह से पड़ गई कि जी आपने सोने का सहरा पहना, अच्छे खासे पैसे खर्च दिए, अच्छी खासी शान और शौकत से शादी की, शेर पे सवारी भी की, फिर उसके बाद डेफिनेटली फिर किसी ना किसी ने तो आपको पकड़ना था, FBI सामने आ गई, नोटिस जारी कर दिया, जी ये दिखाइए तो सही कितने टैक्स आपने दिए और कितने नहीं दिए। ये मीर साहब इतनी शान और शौकत से शादी करना, किसका दिल जलाने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग उल्टा पड़ गया। असल में ये भी तो हमारे यहाँ जी दिखावे का जो कल्चर है ये भी बहुत परवान चढ़ रहा है जी। हम करते हैं देखें, अब हम शो मार के हमने बहुत, वो DJ बटनी था बेचारा एक तरीके इंसाफ के, वो बैंड बाजे बजाया करता था, उसने कह दिया जी उन्होंने मेरे 8 करोड़ रुपये देना है। अच्छा कह के तो दे दिया 8 करोड़ देना है, FBR आ गई कि 8 करोड़ का जरा हिसाब दो, जरा टैक्स दिया तुमने 8 करोड़ का कमाए, कहाँ दिया टैक्स तुमने? मसला ये है कि हमारे यहाँ खासतौर पर फ्यूडल कल्चर में तो वहाँ तो टैक्स ही नहीं लगता, वो FBR क्या करेगी, वहाँ तो उनको कोई उनके जुम्मे टैक्स हुआ नहीं करता,
तो इन साहब ने भी जो इतने काम किया होगा, दिखाया होगा, किया होगा, शेर की सवारी करना आसान होता है लेकिन फिर शेर से उतरना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। इन बेचारों के साथ भी हुआ कि शेर पर चढ़ तो गए, शेर पर तो नहीं चढ़े, शेर को पिंजरे में बंद किया, उसके ऊपर चढ़ गए और समझे कि शेर की सवारी कर रहे हैं। तो इसके नतीजे के तौर पर इनके यहाँ अब इनको अगर हिसाब देना पड़ रहा है तो हमारे यहाँ होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। आप अगर मार्केट में जाएं तो इतनी बड़ी तजारत होती है हमारे यहाँ, जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो टैक्स नहीं देते, यानी एक नहीं है, हजारों हैं। आप लिबर्टी में चले जाएं, शालमी में चले जाएं, अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। कराची में आग लग गई थी उस मार्केट में जो कि होलसेल की मार्केट है, आग लगी ली मार्केट के पीछे, तो पता चला कि एक दुकान में 3 अरब का सामान जल गया। अरे इतनी सी जुबान है, 3 अरब का सामान क्या होता है? पता चला कि वो परफ्यूम की दुकान थी, उसका जो स्टॉक ही था वो 3 अरब रुपए का था। तो इतने बड़े बड़े कारोबार, इतनी सब चीज़ें होती हैं, कोई भी उस पर टैक्स नहीं देता और कोई टैक्स लेने वाला नहीं होता। और टैक्स नहीं लेने वाले जो होते हैं वो अपने लिए तो बहुत कुछ कमा लेते हैं, कि जो ब्यूरोक्रेसी करप्शन की बात करते हैं वो यहीं से तो पैदा होती है। तो ये बेचारा जिसने शोशा मारी होगी उसको अगर जवाब देना पड़ रहा है तो ठीक है, जवाब उसको तो देगा, लेकिन इतना बड़ा जो निज़ाम करप्शन का इस मुल्क में मौजूद है उसको हम कब काबू पाएंगे? असल में ये कॉर्पोरेट सेक्टर का एक 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 एक, एक शाखसाना है। दुनिया भर में जहाँ ये सेक्टर होता है वो करप्शन तो करते हैं और तरह से, हम करप्शन करते हैं माफिया के अंदाज में। हम कॉर्पोरेट सेक्टर वाली करप्शन करें तो मेरा ख्याल में हमें लोग पूछे भी ना, दुनिया का चलन है। कौन सी दुनिया की कंपनी है जो किसी मुल्क में अपनी हुकूमत को भी एक बड़ी प्रोडक्ट बेचना चाहती है और उस पर कमीशन ना देती हो? तो ये सारे जो मामलात हैं छोटे लेवल पर तो बेचारे ने सवारी कर ली, जिंदगी को खुशगवार करने के लिए दिखावा दे दिया, लेकिन ये दिखावे का कल्चर भी हमें खाया जा रहा है। हम अगर यानी कफायशारी का कल्चर क्या है, आपने वो 8 करोड़ के डीजे बट वाली बात की जी, आपने वो 8 करोड़ के डीजे बट वाली बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डेफिनेटली, उसके ऊपर टैक्स वैक्स का मसला शुरू हो गया था। लेकिन सहेल साहब, वो 8 करोड़ का डायमंड का हार मुझे नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब की नवासी का भी याद आ रहा है, फिर वो शर्मिला फारूकी साहिबा की शादी भी याद आ रही है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लैविश जो शादियां हैं वो तो सियासतदानों में भी हुई, FBR कितनी बारी उधर पहुंचा? निका आपकी बात ठीक है, FBR ने अब जब से कुछ एक्टिव होना शुरू किया ना, मुझे लगता है यही वजह थी कि अभी हालिया दिनों के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से मालीशान तरीके से हम शादियां करते हैं और उसके बाद ये ना हो कि FBR उनका भी पीछा करना शुरू कर दे, तो उस वजह से अब कुछ सियासतदानों ने अपने बच्चों की शादियां बैरून मुल्क मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। और नवीद कमर साहब की साहबजादी की शादी भी शायद यही वजह है कि थाईलैंड में हुई थी। दूसरी तरफ जो आप जिस पॉइंट जो मामला इशरतुलबाद साहब के बच्चे की शादी नहीं याद, वो दुबई के अंदर बिल्कुल वो भी दुबई में, तो अब वो ये ट्रेंड बन रहा है। लेकिन अनिका FBR के पास जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग सिर्फ 10 लाख हैं। FBR मुख्तलिफ तरीके से वो लोग जो सैलिड क्लास है जो पहले ही टैक्स अदा करती है उनके गिर तो उनका सर्कल टाइट करते रहते हैं, लेकिन वो लोग FBR के अंदर प्रॉपर एक सेल है जो इन्वेस्टिगेटिव सेल है, उसका काम है कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं और उनके पास जिनके पास जो बिलियनेयर हैं उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए FBR का ही काम है, लेकिन उन्हें वो नहीं टच करेंगे। वो बिजनेसमैनों को एक्सक्यूज करेंगे जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं, उनकी बाजू मरोड़ेंगे, जो सैलरीज क्लास है उन्हें तंग करेंगे, दूसरे लोगों के पास नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी दौर के अंदर एक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, एक पूरी रिकॉर्ड मुरतब किया गया जिसके मुताबिक 600 लोग ऐसे थे जिनके पास अरबों रुपए की जायदादें थी, असासे थे, लेकिन वो टैक्स नेट में शामिल नहीं थे। FBR ने कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको टैक्स नेट में लाएंगे। आज तक उसमें से किसी भी एक शख्स को टैक्स नेट में नहीं ला सके। जो कोई अनाउंस कर दे उसके पीछे आप जाएंगे जी हम टैक्स नेट में इसको लेके आएंगे, लेकिन वो लोग जो इनसे भी बड़े असासों के, ज्यादा असासों के मालिक हैं, जिनके पास जिनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, उन्हें टैक्स नेट में लाइए ताकि कुछ रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो सके। अच्छा, जड़ तक पहुंचना चाहिए ना मीर साहब, क्विकली बताइएगा, लोग टैक्स नहीं देते उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, बाहर के ममालिक में यही लोग जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, पूरा पूरा टैक्स देते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और बाकायदा तौर पर लाइनों में लगकर करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं वही लोग आते हैं वो टैक्स जमा नहीं कराते, वजह क्या? देखिए बात सुने, आप और हम सब टैक्स देते हैं, हमारे इदारे हमसे टैक्स काट लेते हैं जो हम सैलरीड लोग हैं। टैक्स हो सकता है कि हमें कोई रिटर्न फाइल ना करता हूँ, मैं तो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रिटर्न फाइल ना करता हूँ लेकिन हमारा टैक्स कट जाता है, ये भी FBR का एक तरह का है। आप चेकों पर टैक्स काट लेते हैं, आप हर चीज़ पर टैक्स लगा देते हैं। हाँ, जिसे डायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी शरह बहुत कम है। वो क्यों है? वो सिस्टम की खराबी है। देखिए, मेरा टैक्स जब मेरा अदारा मुझसे काट लेता है,
फिर आप कहते हैं कि मैंने अगर रिटर्न फाइल नहीं की, एक जमाने में एक साल के लिए ये भी आया था कि अदारा खुद रिटर्न फाइल करने का जिम्मेदार होगा, उसमें अलग खराबियां पैदा होती हैं। हम सिस्टम डिवाइस नहीं कर सके, टैक्स तो आप ही देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है अगर आप गाड़ी खरीदें, और कोई चीज नहीं, आपकी बिजली पर आपका विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है, और वो इस टैक्स का ऐसा अजीब निजाम है कि साल के बाद जब आप फाइल करना चाहते हैं तो वो सब चीजें इकट्ठी करना मुश्किल होती है। ये मोबाइल फोन है आपके पास, इस पर विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है, आप अपने इनकम टैक्स में उससे डिडक्शन कर सकते हैं, आप नहीं कर पाते। तो हुकूमत को भी ये करना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करना चाहिए कि मैंने सारे साल में जो जो भी टैक्स अदा किए हैं वो उसकी कोई सबूत मेरे पास ऑफिशियली आ जाए। कौन है आप और हम में से कि हर साल अपने बिलों को, हर साल अपनी चीजों को, हर साल जो चीजें हमने खरीदी हैं उन पर विद होल्डिंग टैक्स को, एडवांस इनकम टैक्स को, पता नहीं किन किन नामों से ये ले रहे हैं, उनको देखा जाए। इस सिस्टम को बेहतर नहीं करना चाहते, डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत सी प्रॉब्लम है। जमा करेंगे मीर साहब, यही तो सही है, ठीक है। सज्जाद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, सोहेल इकबाल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इतना तो जरूर है कि टैक्स देना सबको चाहिए, क्योंकि अपने हमसाया मुल्क के अंदर देख ले, वहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज टैक्स देकर एक एग्जाम्पल बनती है, लेकिन टैक्स देकर सही जगह इस्तेमाल होना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो हम उन पे छोड़ते हैं कि वो कहां तक ये जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर पर मौजूद है। अब बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिए, अल्लाह हाफिज़।